फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल पर हो गए हैं 312 के प्लस सब्सक्राइबर्स, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ ही हमारी रॉयल स्टाइल पे 1200 से ज्यादा वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमारा स्किन केयर है, हेयर केयर है, ब्यूटी पार्लर कोर्स में हम जो जो चीजें सीखते हैं, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, फेशियल, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, एवरीथिंग हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही मैंने पूरा प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है रॉयल स्किन केयर, रॉयल हेयर केयर और इसके साथ साथ ही ब्यूटी पार्लर कोर्स की जो भी वीडियोस है, और इसके साथ साथ ही मेकअप की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें टोटल 12 क्लासेस है हमारी मेकअप की, वो भी आप जरूर चेकआउट करिएगा। पर आज हम बात करने वाले हैं अपने हैंड्स के लिए कि किस तरीके से हम अपने हाथों को, कि विंटर्स में ना हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा वो हो जाती है, ड्राई हो जाती है और बिल्कुल भी हाइड्रेट और मॉइस्चराइज नहीं होती, तो आज हम हाथों को किस तरीके से सॉफ्ट बना सकते हैं। खाली विंटर्स में ही क्या, सभी सीजन्स में हमारे हाथों की ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, जिससे हमारे हाथ सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव रेमेडी आपके साथ में शेयर कर रही हूं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमें बाहर जाना है पार्टी में और हाथ तो मेरे कैसे हो रहे हैं ना। अक्सर हमें ये होता है ना कि अरे बाहर जाना है और हाथ तो हमारे फेस तो हमने फेशियल करके बहुत चमका लिया, लेकिन अभी हमारे हाथ अच्छे नहीं लग रहे हैं। और अब मैनीक्योर का भी टाइम नहीं है कि बाहर जाएं और मैनीक्योर कराएं, उसमें भी आधा एक घंटा तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद में 500-1000 रुपये भी हमारे मैनीक्योर में लग ही जाते हैं। तो कितना अच्छा होना अगर हम घर पर ही विद इन 5 मिनट्स हम अपने हाथों को भी चमका लें, कि फेस के साथ साथ में हमारे हाथ भी बहुत शाइन करेंगे। तो चलो आज आपको हाथों के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले यूज करेंगे ये एलोवेरा। और हम सबको मालूम है कि एलोवेरा के अंदर एलोइन होता है, जो बहुत अच्छा काम करता है हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने में, और बहुत इजीली हमारे घर में भी अवेलेबल है, तो विदाउट एनी कॉस्टिंग ये हमें घर पर ही फ्री में पड़ जाएगा। अगर हमारे पास में घर में नहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेनली हमें इसका जेल लेना है। तो इस तरीके से हम ऊपर से इसको हटा लेंगे और ये मेन जेल चाहिए हमें, तो ठीक है, तो लीफ में ही रखेंगे ऐसे करके, और हल्का हल्का सा इसमें हम थोड़े होल्स कर लेंगे, ताकि हम इसके ऊपर जब ये हम अपना हल्दी यूज़ करेंगे, हल्दी बहुत अच्छा काम करता है हमारी स्किन को शाइन देने में, वन ऑफ द बेस्ट इन्ग्रीडियंट है हमारी किचन में ये, ठीक है। इस तरीके से हल्दी को हम इसके ऊपर फैला लेंगे, उसके बाद हमारे हाथों को बहुत हाईली मॉइस्चराइज करता है हनी, तो नेक्स्ट हम इसके ऊपर हनी डालेंगे, इसी के ऊपर ही हम ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ये दोनों चीजों को एलोवेरा के ऊपर डाल लेंगे, हल्दी को और शहद को, और उसके बाद में हम इसे अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। जितना भी ये जेल है ना, ये पूरा हमारे हाथों पर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने हाथों पर इसको बहुत अच्छी तरीके से रब करेंगे, 5 to 10 मिनट्स इस तरह से दबाते हुए हम इसकी मसाज करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर हम इसको धो लेंगे। धोने के बाद फिर क्या अप्लाई करेंगे, तो चलिए बताती हूँ, अभी मैं से धो के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हैंड्स को वॉश कर लिया, उसके बाद हम अपने हैंड्स पे हैंड्स ब्राइटनिंग क्रीम लगाएंगे। ये नायका की व्हिप्ड विद लव कोकोनट एंड शिया बटर हैंड एंड नेल क्रीम है, हैंड्स और नेल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करती है ये। एक बार को अगर हमारे पास में ये क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट टू वरी, हम अपना कोई भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी नहीं है हमारे पास में तो कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से ऑलिव ऑयल को भी यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि मेरे पास में ये हैंड क्रीम है तो हम ये हैंड क्रीम को अपने हाथों पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से उसके थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी लेंगे और पूरे हाथों पे हम अपने, जैसे मैनिक्योर कराते हैं तो बाहर स्टेप्स करते हैं ना वो मैनिक्योर के, सेम वैसे ही हम अपने, इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, ये बहुत ही बढ़िया क्रीम है ये, इसके अंदर कोकोनट है, शिया बटर है, ये बहुत ही सॉफ्ट कर देगी हाथों को ये, ठीक है। पर जैसे कोई भी अगर हम क्रीम लगा रहे हैं हाथों पे, तो बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले हमारे हाथ क्लीन होने चाहिए, नहीं तो फिर सारा डस्ट और डर्ट हमारे हाथों के अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरह से वाइब्रेशन देते हुए हम मसाज करेंगे, फिर ये फिंगर्स को पकड़ेंगे और ये जो जगह होती है बीच वाली, इस पर गोल गोल करेंगे, और फिर यहाँ से हल्का सा नाखून पे प्रेशर देते हुए फिर बाहर करेंगे। इस तरह से बीच में किया, फिर ये खींचा और नाखून पे प्रेशर दिया, और फिर इसको झटके से बाहर किया। इस तरीके से हम मसाज करेंगे।
इस तरीके से एक हाथ से दूसरे हाथ के ऊपर प्रेशर देते हुए हम अपने हाथों की मसाज करेंगे। देखो कितना फर्क पड़ गया, पहले मेरे हाथ कैसे थे ना, देखो इस वाले हाथ पर मैंने कुछ भी नहीं किया और इस वाले हाथ पे किया है, कितना डिफरेंस लग रहा है खुद ही मुझे ना। ये देखो इतना सॉफ्ट और इतना क्लीन लग रहे हैं, इस वाले हाथ पे कुछ नहीं हुआ और इस हाथ पे देखो मैंने अभी एलोवेरा वगैरह यूज़ किया है और क्रीम लगाई है, तो बहुत अच्छा फर्क पड़ा है इससे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।